नमस्कार दोस्तों। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप की करंट के बारे में, जो कि बेसिक सेमीकंडक्टर्स में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। पहली टाइप की जो करंट थी ड्रिफ्ट करंट, उसके बारे में हमने बात की थी, तो आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन करंट के बारे में। तो बेसिक डिफ्यूजन करंट होती क्या है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लिया कि मेरे पास कोई एक स्लैब है सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो स्लैब है, इसमें क्या होंगे चार्जेस। अब चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो चार्जेस का मतलब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, है ना। सेमीकंडक्टर्स में यही होंगे चार्जेस। मान लिया मैंने ये होल्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं बेसिकली इसे दिखा रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकें आप इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इस, अगर मैं स्लैब में आपको कहूं कि आप देखें तो आपको क्या चीज देखनी चाहिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर स्लैब है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की, यानी कि चार्जेस की, ओवरऑल में बात करूं चार्जेस की, तो चार्जेस की कंसेंट्रेशन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है इस मटेरियल में। कहने का मतलब ये है कि मान लिया मेरा ये एक्स डायरेक्शन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो घटती जा रही है। कंसेंट्रेशन मतलब क्या है कि कितने होल्स या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है किसी रीजन में। तो यहाँ पे देखिए आप कई सारे होल्स, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा है। मान लिया मैंने कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कंसेंट्रेशन घटती चली जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन में सेमीकंडक्टर्स में कि कंसेंट्रेशन आपकी क्या हो, पूरे सेमीकंडक्टर स्लैब में क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंसेंट्रेशन पाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया कि जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे, क्या होगा कि आपकी जो कंसेंट्रेशन है ये क्या कर रही है, घट रही है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन घट रही है। अब कंसेंट्रेशन घट रही है तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन घटने की वजह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा कि ये जो हाईर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट था, यहां से ये चार्जेस क्या करेंगे, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ टेंड करेंगे, यानी कि मूव करेंगे। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन हाईर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ड्रिफ्ट करेंगे बिना किसी अप्लाइड फील्ड के। ये मैं केवल बिन सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, स्लैब के अंदर मटेरियल के अंदर जो कुछ हैपन हुआ है वो मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि अब इनके मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर करंट कंस्टिट्यूट होगी। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस एक्स डायरेक्शन में इधर से यहाँ चलेंगे, इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन इसके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। करंट का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो ये जो अब करंट फ्लो होगी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन होल से डीकंबाइन करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे जो मुझे करंट मिलेगी उस करंट को मैं क्या बोलूंगा, डिफ्यूजन करंट। तो यही होती है बेसिकली डिफ्यूजन करंट। ये जो आपको आई मिली, इस आई को मैं क्या कह रहा हूं, डिफ्यूजन करंट। और ये क्यों मिली, इफ कॉस्ट बाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चार्जेस ने मूव किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जिस करंट का फ्लो हुआ उस करंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे हमने कोई अप्लाई फील्ड की बात नहीं की है, जब हमने ग्रिड करंट की बात की थी तो वहां पर जब हमने फील्ड अप्लाई की थी तब वहां पर एक एवरेज वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इफेक्टिव वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी से जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी वो थी हमारा ग्रिड करंट, और ये है डिफ्यूजन करंट जो की फ्लो हो रही है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ से एक मैं इक्वेशन अगर ड्रॉ करना चाहूँ, मैं क्या ड्रॉ करना चाहूंगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन घट रही है,
तो घट रही है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मैं ई डिनोट कर या क्यू डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, डी क्यू अपॉन डी एक्स, ये क्या कर रही है, घट रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कंसंट्रेशन घट रही है एक्स वेग के रिस्पेक्ट में, एक्स में बढ़ रहे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गई, तो कंसंट्रेशन कम हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स, माइनस साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि कम हो रही है। अब यहां पर एक मैं टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा ई, ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस यहां पर मैं एक टर्म एक कांस्टेंट की वैल्यू इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसको मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ई लिख देता हूं, ठीक है, एन ना लिख के ई लिख देता हूं, तो ये आपकी जो इक्वेशन आई इसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर। अब ये है क्या, जे ई की मैं बात करूं तो ये क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, करंट बेसिक क्या है, होती ये है कि कितनी करंट आपकी पर यूनिट एरिया में जितने सब्सट्रेट में फ्लो होती है वो होती है आपकी करंट डेंसिटी, ठीक है, यानी कितनी करंट कितने एरिया में फ्लो हो रही है वो क्या बताता है आपका करंट डेंसिटी, तो वही चीज यहाँ पे हमने डिनोट किया। ई की मैं बात करता हूं तो ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डीई मेरा क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है, या डिफ्यूजिविटी वो भी इसको बोलते हैं समटाइम्स, लेकिन डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमको पता होती है, बेसिकली ये सबकी अलग होती है। अब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि आप कंसंट्रेशन करंट डेंसिटी की वैल्यू आप निकालिए होल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर मैं फिर मेरे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगा तो मैं डी ई की जगह पे डी लिखता हूँ कि मैं होल की बात कर रहा हूँ, और फिर मेरा क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन या डी पी लिख देता हूँ, ठीक है, डी पी अपॉन डी एक्स। अब ये भी क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया उसमें होल्स की भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। अब अगर मान लीजिए मैं ये कहता आपसे कि इसको रिवर्स कर दो, मान लीजिए, ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन में बढ़ने पर कंसंट्रेशन मेरी बढ़ रही होती, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाते, पॉजिटिव में। तो ये था बेसिक हमारा कि ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट बेसिकली होती क्या है और कैसे हम करंट डेंसिटी की इक्वेशन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए या होल के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।